नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा पोस्ट ऑफिस, उसके बीच रेट ऑफ इंटरेस्ट की कंपैरिजन करने वाले हैं। 2023 में कौन आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, आपका पैसा आप कहाँ रखोगे तो आपको ज़्यादा ब्याज मिलेगा, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। दोस्तों, बात आती है ये दोनों के बीच कंपैरिजन क्यों, क्योंकि दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बहुत सारे लोगों के अकाउंट है, बहुत सारे लोगों का पैसा है, भारत का सबसे बड़ा बैंक है। वैसे ही पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस भी ऐसी एक जगह है जो गांव-गांव में फैला है, वहां पे लोगों का पैसा रखा हुआ है। तो आज के इस वीडियो में ये दोनों के बीच हम कंपैरिजन करेंगे, एक साल, दो साल, तीन साल, पाँच साल, दोनों क्या क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, कहाँ पर आपको ज़्यादा ब्याज मिलने वाला है, ये आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे पैसा आपको कहाँ लगाना है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाती है। यहाँ पे दोस्तों हम देखें तो यहाँ पे SBI और पोस्ट ऑफिस दोनों ही हम कंपैरिजन करने वाले हैं। फर्स्ट आता है एक साल के लिए। एक साल के लिए अगर आप SBI में पैसा रखते हो तो जनरल लोगों यानी कि नॉर्मल लोग जो 60 साल के नीचे है उसके लिए है रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.75 और सीनियर सिटीजन के लिए है 6.25। और वहीं हम पोस्ट में देखते हैं तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.60 यानी कि 6.60। तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस बाजी मार लेता है। अगर आपको एक साल के लिए पैसा रखना है तो आप पोस्ट ऑफिस में रख सकते हो। अभी दोस्तों बात करते हैं दो साल के लिए। दो साल का रेट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 6.75। अगर सीनियर सिटीजन है 60 साल से ऊपर तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.25 और यहाँ पे पोस्ट ऑफिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.80 यानी कि पोस्ट ऑफिस में यहाँ फिर से बाजी मार ली है। अगर आप नॉर्मल लोग हैं, 60 साल के नीचे नहीं है तो आप पोस्ट ऑफिस में पैसा रख सकते हो, और आप सीनियर सिटीजन है तो आप SBI में 7.25 पे पैसा रख सकते हो। अभी बात करते हैं तीन साल में। तीन साल में SBI दे रहा है जनरल में 6.75 और सीनियर सिटीजन में भी 7.25 और वहीं पोस्ट ऑफिस दे रहा है 6.90 यानी कि अगर आपको तीन साल के लिए पैसा रखना है तो पोस्ट ऑफिस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, वहाँ पैसा रख सकते हो, और आप सीनियर सिटीजन हो तो फिर SBI आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अभी आगे बात करते हैं पाँच साल के लिए। दोस्तों, पाँच साल के लिए यहाँ पे SBI में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.25 आप देख सकते हो यहाँ पे, और सीनियर सिटीजन है 7.25। और यहीं हम पोस्ट की बात करें तो पोस्ट ऑफिस आपको दे रहा है 60% ब्याज यानी कि अगर आपको पाँच साल के लिए फिक्स में पैसा रखना है तो आप पोस्ट ऑफिस में रखिए, क्योंकि यहाँ से आपको 75% ज़्यादा मिल रहा है। तो दोस्तों ये थी कंपैरिजन पोस्ट ऑफिस और SBI के बीच 2023 के लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको जहाँ भी अच्छा लगता है, जहाँ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट का फ़ायदा आपको अभी आप डिसाइड कर पाओगे आराम से। तो चलो दोस्तों फिर से मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।